हमारी खताओं पे, तो हम भी लोगों को माफ़ करते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन माजी। मेरा सवाल ये है कि दूर से इंसान ऐसा हाथ ऊपर कर देता है तो उसका क्या है? सलाम के लिए भाई ने सवाल किया कि सलाम के लिए क्या इशारे में दूर से हाथ करना काफ़ी है? तो देखिए, सलाम के लिए इशारा करना हाथ से ये साबित है सुन्नत से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से उनको सलाम करते जिन तक आवाज़ नहीं जाती। पर मिसाल के तौर पर आप ऊँट पर हैं और सहाबा दूर है, तो जब आता है रिवाज में आप सलाम करते थे, समझ रहे हैं आप, दूर से। लेकिन नज़दीक वाले इंसान को आपने सलाम किया हाथ उठाकर, ये साबित नहीं है। हाथ उठा, जैसे हमारे पास होता है कि अगर अस्सलाम वालेकुम बोले भी तो देखते रहता हूँ, फिर यूँ करना पड़ता उसको, फिर भी समझ में आता है कि सलाम करना, उसके बगैर वो सलाम ही नहीं होता है। ठीक, तो नज़दीक जो इंसान हो उसको सिर्फ आप आवाज़ से करेंगे, दूर जो इंसान जो समझ नहीं सकता इशारा करेंगे। इशारे के लिए गर्दन हलाना भी हो सकता है, हाथ उठाना भी हो सकता है, इशारा है कि मैं सलामती भेज रहा हूँ तुम्हारे तरफ, तो ये हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो एक चलन है वो क्या है मालूम आपको? सलाम कर रहे नहीं हम, सलाम नहीं, मतलब सलाम करना है, जैसा अस्सलाम वालेकुम आप कह रहे हैं लेकिन आदमी दूर है, अस्सलाम वालेकुम दूर है ना आदमी, लेकिन कह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ इशारे ही चल रहे, खाली दूर है, बोलना भी है सलाम, खाली करना नहीं है। तो दूर कोई इंसान हो तो सलाम करे और इशारा करे कि मैंने आपको जो है सलाम किया है। तो बहरहाल गर्दन से भी हो सकता है, हाथ से भी हो सकता है, और अल्लाह के रसूल दूर वाले लोगों को इशारे से सलाम